सो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो फॉर द लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहाँ पे तीन बड़े अपडेट्स देखने वाले हैं, जिसमें कि दोस्तों आप लोगों को क्रिप्टो मार्केट को लेके एक बहुत ही अच्छी अपडेट्स यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, कौन सा वो अपडेट है वो हम लोग देख लेते हैं। बट आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मेक श्योर जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बिकॉज जो भी अपडेट्स वगैरह आते हैं वो मैं सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर देता हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें दोस्तों हम लोग यहाँ पे पहले अपडेट से, जो पहला अपडेट जो निकल के आ रहा है वो हमारा आरबीआई से रिलेटेड निकल के आ रहा है। मैं भी दोस्तों बहुत सारे लोगों को कल रात में ही पता चल गया होगा, लेकिन दोस्तों मैं जो हूं वीडियो बना के आप लोगों को नहीं बता पाया था, क्योंकि दोस्तों ये जो अपडेट था वो एक ही अपडेट आया था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया था, तो इसलिए मेक श्योर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। बिकॉज जो भी अपडेट्स वगैरह आते हैं वो मैं वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाता हूं, तो सबसे पहले टेलीग्राम पर ही आप लोगों को अवेयर कर देता हूं। दोस्तों बात करें यहां पे इस अपडेट के बारे में, तो ये अपडेट जो है वो 22 जुलाई को यहां पे बताया जा रहा है कि न्यू दिल्ली में जो है वो वेबिनार के माध्यम से बताया गया। और ये क्या बोला जा रहा है सो आप लोग सुनिए कि डिप्टी गवर्नर जो है वो हमारा बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग जो है वो बहुत जल्द सीबीडीसी यहां पे लाने वाले हैं, जिसके तहत जो है वो हमारा डिजिटल करेंसी जो है वो कंट्रोल किया जाएगा। यानी कि दोस्तों यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि डिजिटल करेंसी हो गया या फिर क्रिप्टो मार्केट हो गया, इससे रिलेटेड जो है वो इंडिया में अब रेगुलेशन आने वाला है। क्योंकि इंडिया को भी पता है कि इंडियन जो है जितने भी बहुत सारे भारतीय जो है वो कई ज्यादा मात्रा में जो है लगभग बिलियनों रुपए लगा करके क्रिप्टो मार्केट में है, तो इसीलिए ये लोग भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा ही हम लोग क्रिप्टो मार्केट को यहाँ पे बैन कर दे या फिर इजीली इसे हटा दें और लोगों का जो है पैसा डूब जाए या फिर कुछ हो जाए। अब ये जो है दोस्तों यहाँ से क्लियर हो जा रहा है कि अब जो है वो हमारा पूरी तरीके से रेगुलेशन आने वाला है। लगभग यहाँ पे पता चल रहा है दोस्तों कि 20% के आसपास में जो है वो हमसे टैक्स लिया जाएगा डिजिटल करेंसी में ट्रेड करने के लिए। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं क्या आप लोगों को ये 20% का जो टैक्स लग रहा है वो सही है कि कम है या फिर ज्यादा है, आप लोग कमेंट करके जोर से बता सकते हैं। सो दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेकंड अपडेट की, जो कि दोस्तों पूरे क्रिप्टो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव अपडेट देखा जा रहा है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि परसों यहाँ पे जो मीटिंग हुआ, वर्चुअल मीटिंग हुआ एलन मस्क, जैक डॉर्सी और कैथी के साथ, जिसके कारण दोस्तों मार्केट जो है वो आपको बहुत ज्यादा अच्छा खासा देखने को मिला। और दोस्तों बात करें तो ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, आने वाले समय में जो है दोस्तों वो मार्केट और भी ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। बिकॉज दोस्तों यहाँ पे जो है वो मार्केट से लेके यहाँ पे बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव अपडेट्स निकाला गया है इस वर्चुअल मीटिंग के कारण। और दोस्तों यहाँ पे बात करें तो एक जो थॉमस, ठीक है, थॉमस पेटरफाई नाम का एक बिलियनियर इन्वेस्टर है, जो कि दोस्तों एक इंटरेक्टिव ब्रोकर भी है, ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है पूरे क्रिप्टो मार्केट के लिए, बिटकॉइन के लिए, इन्होंने कहा है कि क्रिप्टो में जो है वो इन्वेस्ट हमें करना चाहिए, देयर इज अ चांस इट कुड बी अ डोमिनेंट करेंसी। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को बहुत जरूरी है क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, जिसके कारण दोस्तों आने वाले समय में जो है यहाँ पे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से गेन कर पाए, उससे रिलेटेड जो है दोस्तों इसने यहाँ पर थॉमस ने इसी आर्टिकल में यहाँ पे बताया। और इन्होंने भी रिवील किया है कि हमने जो है वो अपना भी पैसा जो है यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट में डाल के रखा है। तो दोस्तों यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि जो लोग भी यहाँ पे टेंशन ले रहे हैं कि भैया मार्केट जो है वो डूब रहा है, क्या हो रहा है, तो दोस्तों आप लोगों को मैं क्लियर बता देना चाहूंगा कि इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है ये लोग नहीं चाहेंगे हमारा पैसा लॉस हो। तो ये लोग भी जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और आए दिन जो है यहाँ पे पॉजिटिव अपडेट निकल के आ ही रहा है। तो दोस्तों यहाँ से क्लियर हो जाती है कि आपने जिस भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करके रखा है सिंपल से आप लोगों को होल्ड कर लेना चाहिए, क्योंकि होल्ड करने का ही एक ऑप्शन बचता है आप लोगों के सामने। और यहाँ से दोस्तों आप लोगों को जो है वो लॉन्ग टर्म के विजन से सोचना चाहिए ताकि आप लोग जो है वो अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट निकाल पाओ। दोस्तों बात करें इस वाले इन्वेस्टर के बारे में, तो जैसा कि ये थॉमस अपना मार्केट में जो है वो पैसा लगा दिए, तो ये थोड़े ना ट्रेडिंग करेंगे, आज डालें और कल यहाँ पे निकाल लेंगे, ये लोग जो है दोस्तों वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इन्होंने जो है इस आर्टिकल के माध्यम से क्लियर किया कि हमने जो है वो अपना भी पैसा यहाँ पे डाल के रखा है और क्रिप्टो करेंसी जो है एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए इन्वेस्टमेंट करने का, जिससे कि हम अच्छा खासा पैसा जो है वो और भी ज्यादा प्रॉफिट बना पाए और भी ज्यादा प्रॉफिट यहाँ से गेन कर पाए। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये अपडेट समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने थर्ड वाले अपडेट के ऊपर, जो कि डॉज कॉइन से रिलेटेड है। दोस्तों बात करें अपने थर्ड अपडेट की, तो देखो यहाँ पे डॉज कॉइन का जो इन्वेस्टर है ग्लोबर कंटेसोटो, ठीक है, इसका नाम है, और ये जो है वो डॉज कॉइन इन्वेस्टर है। आपको पता हो दोस्तों कि ये जो है वो डॉज कॉइन के कारण ही यहाँ पे मिलीनियर बन चुके थे, लेकिन यहाँ पे बात ऐसी है कि मिलीनियर बनने का जो ये दर्जा है वो अब ये खो दिए हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि डॉज कॉइन जो है बहुत ज्यादा डीप में आ चुका है, 55 रुपए का ऑल टाइम हाई से सीधे उतर के 13 रुपए 14 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा है। बट अभी तक जो है ये बोल रहे हैं कि मैं जो हूं अपना एक भी सिक्का यहाँ पे सेल नहीं करने वाला हूँ, एक भी डॉज कॉइन जो है यहाँ पे सेल नहीं करने वाला हूँ, और उल्टा जो है यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि अब मैं और भी ज्यादा यहाँ से परचेस करूंगा और भी ज्यादा जो है अपने पोर्टफोलियो में जो है वो डॉज कॉइन को या फिर अदर क्रिप्टो करेंसी को मैं यहाँ पर ऐड करूंगा। तो यहाँ से दोस्तों क्लियर हो जाती है कि डॉज कॉइन को लेकर जो है वो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है लोगों के तरफ से, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से। और जैसा कि दोस्तों मीटिंग में एलन मस्क ने भी जो है वो डॉज कॉइन का यहाँ पे तारीफ किया, पूरे क्रिप्टो मार्केट का तारीफ किया, जिसके कारण आपको मार्केट अच्छा खासा देखने को मिला। तो मैं भी दोस्तों ये सब जो है वो टेम्पररी है, मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि आने वाले समय में जो है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्रिप्टो मार्केट बहुत अच्छा खासा जाएगा और हर एक कॉइन में जो है वो बहुत अच्छा खासा इंक्रीजमेंट आपको देखने
देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ से जो डॉस पेन होल्डर्स हैं उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपडेट हो जाती है कि अगर आपने डॉस पेन होल्ड करके रखा है तो भैया रखे रहो, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। जब इतने बड़े बड़े मिलीनियर जो है वो अपना दर्जा खो दे रहे हैं मिलीनियर बनने से, सो ये लोग अभी तक जो है वो अपना डॉस पेन सेल नहीं किए। और आप लोग तो भैया अभी बहुत ज्यादा कम पैसा यहाँ पे लगाए होंगे, बट फिर भी जो है वो आप लोग इतना ज्यादा टेंशन ले रहे हो। आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि आप लोग कितना ज्यादा डॉस कॉइन जो है यहाँ पे खरीद के रखे हो अपने पोर्टफोलियो में। दोस्तों यही कुछ अपडेट था, ये तीनों अपडेट मैंने आप लोगों को कम से कम समय में यहाँ पे जो है वो क्लियर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना। मिलते हैं दोस्तों एक और नए शानदार वीडियो के साथ।